और अगर बाहर निकल रहे हैं तो अपने चेहरे को मास्क से या गमछे से ढक करके रखें। महाराज मेरे पास ऐसे लोगों की लिस्ट भी है, महाराज ऐसे लोगों की लिस्ट है जो पान बीड़ी गुटखा खाने के लिए अपने घर वालों को बेवकूफ बना करके बाहर चले आते हैं और ये भूल जाते हैं कि इनकी एक छोटी सी गलती से इनके घर के नन्हे नन्हे बच्चे, इनके बुजुर्ग माता पिता संक्रमित होकर मौत के मुंह में जा सकते हैं। इन्हें बड़ा समझ है, एम है कि इनके पास इम्यूनिटी पावर है, इन्हें कोरोना अगर लग भी गया तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये क्यों भूल रहे हैं कि वो छोटा सा मासूम बच्चा जो तुम्हारे घर में है, तुम्हारे बुजुर्ग माता पिता जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है, क्या वे बच जाएंगे? महाराज आज चित्रगुप्त ऐसे लोगों को आप कठोर से कठोर दंड दें और अपने यमदूतों के माध्यम से इनका दंड निर्धारित करें। महाराज सही कहा चित्रगुप्त, यमदूतों कहां घूम रहे हो उधर? ठीक है ऐसे दुष्ट मानो को कहीं से कहीं सजा दी जाएगी। रात में 10 बजे 11 बजे गुटखा तमाशू के चक्कर में घर से बाहर निकलते हैं ऐसे लोगों को तुरंत अपने आदेश में ले लो। और हम देख रहे हैं कि प्रदेश के पुरुष का वाहन आते देखकर जो लोग घर के अंदर छुप जाते हैं और वाहन जाने के पश्चात फिर वापस आ जाते हैं, ये लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं। ये नहीं जानते कि ये कोरोना एक संक्रमित बीमारी है, ये संक्रमण से फैलती है। आप बिड़ी से अगर संक्रमित है तो बिड़ी से भी आपके पास कोरोना पहुंच सकता है। और भी ऐसे कई सामान है जिनसे लगकर कोरोना आपके पास पहुंच सकता है और वह आपको और आपके परिवार को संक्रमित कर सकता है। इसलिए आप सीधे अपने घरों में रहे, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। महाराज आज चित्रगुप्त आज इस भारतवर्ष को अगर कोरोना मुक्त करने में किसी का विशेष योगदान है जो आज देवदूत बनकर के इस भारतवर्ष में खड़े हैं तो ये पुलिस प्रशासन है। महाराज ये अपना घर छोड़ करके अपने परिवार को छोड़ करके दिन रात इन मानवों की सेवा में लगे हुए हैं। ये हमारे चिकित्सा कर्मी जो आज अपनी जान जोखिम में डाल करके इनका इलाज कर रहे हैं, लेकिन ये मानव इनके साथ भी छल कर रहे हैं। महाराज आज डब्ल्यूपीएल का कर्मचारी अपनी जान हथेली पर लेकर के खदान जाता है कोयला निकालने के लिए। उसे मालूम है कि हमारे यहां भूमिगत खदान में अगर एक भी व्यक्ति को कोरोना संक्रमित हो गया तो पूरा का पूरा हमारा ट्रेंच एरिया परिवार संक्रमित हो जाएगा। लेकिन ये हमारे कोरोना वॉरियर आज मौत के मुंह से बिजली और आपको सब कुछ उजाला दे रहे, लेकिन हमारा भी फर्ज है कि हम अपने घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बना के रखें, अपने हाथ को नियमित सैनिटाइज करें, 20 सेकंड तक साबुन से या हैंड वॉश से साफ करें। अगर हमने इतना कर लिया तो निस्संदेह कोरोना से हम जीत जाएंगे और हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। आज खुशखबरी है कि हमारा छिंदवाड़ा कोरोना मुक्त होने जा रहा है। शिवपुरी की जनता जनार्दन को इस कोरोना का प्रणाम। अभी तक आप लोग एक लोकल नाटक के माध्यम से यमराज और चित्रगुप्त की
भावनाओं को सुन रहे थे, मगर मुझे यहाँ की जनता को देखने से यह लगता है कि आपको तो एक ड्रामा और समझ में आ रहा है कि एक ड्रामा कर रहे हैं, मगर हम सब पुलिस प्रशासन से लेके यहाँ जितने भी मंच पे खड़े हैं, ये हमें जान हथेली पे लेकर हम आप लोगों को सिर्फ समझाने आए हैं कि ये मंच है, आप समझ जाओ और संभल जाओ। आपको पहुंचा कोरोना एक दिन के लिए या एक महीने के लिए हमारे क्षेत्र में नहीं आया है, ये अभी सालों रहेगा हमारे क्षेत्र में। आपकी फोटोज और आज कुछ दिन में प्रशासन हमें छूट भी देने जा रही है और हम इस छूट का गलत फायदा उठा रहे हैं और उस गलत फायदा उठाने का नतीजा ये होगा कि मैं आपके घर में प्रवेश करूंगा और मैं जब आपके घरों में प्रवेश करूंगा तो ये पूरा की पूरा परिवार को तहस नहस कर डालूंगा। अगर आप अभी भी बच्चे हैं समझ जाते हो तो समझ जाओ। कोरोना से बचने के लिए रोज आप रात्रि में गर्म पानी, सुबह उठते से गर्म पानी का सेवन जरूर करें क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि अगर आपको लग गई तो आपसे दूरी बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। आप देख रहे हैं पूरे देश का हाल क्या हाल है, मगर हम छिंदवाड़ा जिले के सभी नगरवासियों को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग जिस तरीके से अपने आप की सुरक्षा कर रहे हैं और हम पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देते हैं, मेडिकल विभाग को धन्यवाद देते हैं जो रात दिन अपनी जान को हथेली में रख के अपने परिवार को छोड़कर आप लोगों की सुरक्षा में लगे हुए हैं कि हम हमारे शिवपुरी में किसी को यह बीमारी का असर ना पड़े। मगर आप लोग की लापरवाही, थोड़ी सी चूक, आप जरा सी चूक करोगे और पूरे परिवार और पूरे शिवपुरी को तहस नहस कर डालोगे। तो आज इस ड्रामा के माध्यम से आप लोगों को यह संदेश देने का उद्देश्य है कि देखो कुछ दिनों में हमारे क्षेत्र में एक ढील